तो सामने एक बंदे को मैं नोक कर देता हूँ, वहाँ पे और भी बंदे थे और जिनका मेरे को लगा कि उन पे गन वगैरह नहीं है कोई ठीक ठाक से, क्योंकि एक ही कंटेनर पे इतने सारे गन्स नहीं मिलते और खास करके इस वाले कंटेनर पे भाई कई बार धोखा मिलता है। तो यहाँ पे उन बंदों पे मैं सीधा रश कर देता हूँ। तो ये बेचारा तो यार ऐसे भागता रह गया, बेचारे को गन वगैरह भी नहीं मिली, बस 2x ले रखा था किसने। तो यहाँ से मेरे को डीपी मिल जाती है, यूएमपी मेरे पे है ही और डीपी में भाई 6x लग रहा था, तो तुम्हें पता भाई खतरनाक ही सीन है। तो यहाँ पे एक बंदा क्या था हमारे पास से पीछे की तरफ भाग रहा था, तो उसे पकड़ते जल्दी से। तो ये बेचारा भी निहत्ता था, पता नहीं कहाँ से भाग क्या है, और ये सोच रहा था इस क्रेट से इसको कुछ मिल जाएगा, लेकिन भाई वो तो पहले ही हमने खाली कर रखी थी, वैसे भी उस बंदे में कुछ नहीं था, 2x वाला बंदा था वो। तो यहाँ पे पीछे से भाई VSS चलती है, जैसे कि तुमने मार्क भी देख लिया मैप पे, क्योंकि उसकी साउंड तो आती नहीं है VSS की, बस एक मार्क साथ है अगर पास से चलती है, और दूर से तो भाई मार्क वगैरह कुछ भी नहीं आता। तो यहाँ पे मैं रश करने लगता हूँ सीधा। और बेचारे के साथ स्कैम हो गया यार, देखो जंप एंड शूट, क्राउच एंड शूट को हमेशा उड़ा सकती है। तो गाइस अगर तुम्हारे सामने कोई बंदा क्राउच एंड शूट करता है ना, तुम उसको इजीली निपटा सकते हो। क्या करना है, तुम्हें जंप करके उसके पीछे घूम जाना और गोलियां बरसा देनी है उस पे, क्योंकि क्राउच करके बंदे की मूवमेंट स्लो हो जाती है, वो इतनी जल्दी नहीं एम बदल पाएगा। हाँ मजे में लूटने लगा था, लेकिन भाई पीछे से एक बंदा एसके एसके बारिश कर देता है, तो थोड़ा कवर में आते हैं और यहाँ पे शानदार को एक बंदा नॉक कर देगा, तो देखते हैं उन्हें भी। अरे भाई कवर में नॉक हो गया। तो इधर से यार साउंड आती है, तो मैं ऐसे ही भले स्कोप खोल के गोलियां मारने लगता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ भाई 3 बंदे हैं, तो मेरी हालत यहाँ पे खराब थी भाई, निकलो जल्दी से क्योंकि हेल्थ भी कम है मेरी, और इन बंदों की भाई सही टाइम पे रिलोड मारी नहीं तो मेरे को खा जाते मतलब। तो इन बेचारों के साथ तो यहाँ पे स्कैम हो गया, कोई बंदा उधर से भी मारा था और बेचारे बचने के लिए इधर आए, तो इधर से मैंने निपटा दिया। तो यहाँ पे मैं थोड़ी अपनी बूस्ट करके जाऊंगा हेल्थ, क्योंकि अभी और भी बंदे हैं, क्योंकि ये जिससे लड़ रहे थे जो इन्हें मार रहा था, और यहाँ पे शानदार मतलब नोक पड़ा है, तो उसे भी रिवाइव करना है, बहुत देर से नोक पड़ा है यहाँ पे, तो जल्दी से करते हैं रिवाइव। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, स्कोप ऑन करके मैं जायरो थोड़ा सा सीख रहा हूँ हल्का हल्का, तो यहाँ पे गलती से मेरा ऑन था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, पहले मैं प्रैक्टिस कर रहा था ट्रेनिंग में, इसलिए मेरा स्प्रे थोड़ा सा यहाँ पे बिगड़ रहा था, लेकिन बाद में जब मैं देखता हूँ भाई डिसेबल करता हूँ, जब आता है मजा फिर। कसम से भाई मैंने नहीं छोड़ी है मोली, सच में मेरा हाथ अब भी बटन पे ही था, पता नहीं कैसे छूट गई भाई, तुम्हें तो पता ही है भाई पबजी के कितने नशे हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेट जाता हूँ कि पीछे से भी गोलियां चल रही थी, और पीछे से भैया नेड फेंकने लगे थे, तो मैं पीछे भागने लगा था ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा सा डैमेज पड़ जाता है। और यहाँ पे यार हेल्थ बैंडेज कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ बूस्ट है, तो बूस्ट मार के काम चलाना पड़ता है यार। और गाइस अगर आप सिर्फ बूस्ट है, आपकी हेल्थ कम है, और डुओ वर्सेस स्क्वाड सिचुएशन है या फिर सोलो वर्सेस स्क्वाड जो भी है, तो थोड़ा सा वेट करो, अपनी हेल्थ होने दो हल्की सी, फिर मारो। तो गाइस यहाँ पे मैं फ्लैंक करता हूँ, एक बंदा मेरे को दिख जाता है जो कि टीपी प्लेयर था, तो इसको निपटाते हैं, दूसरे को शानदार निपटा देता है यहाँ पे, और एक और बंदे के यहाँ पे फुटस्टेप्स आ रहे, तो भाई कर देते हैं उसे भी खत्म। तो यहाँ भाई पीछे की तरफ फायरिंग चल रही थी तकड़े वाली, मतलब कोई और स्क्वाड आ गए, पता नहीं पोचिंग किसे या कहाँ से, क्योंकि जो जो सेंटर में था तो कई बंदे आते हैं कि बीच में कैंप करेंगे बैठ के, तो हम तो यहाँ पे आए थे और मजे आ रहे थे, बस किल्स मिले जा रहे थे फोकट में। तो यहाँ पे एक और स्क्वाड ने रश कर दिया, तो भाई देखते हैं उन्हें भी।
और यहाँ पे गाइस कितना अनलक्की था मैं, मतलब इस बंदे को मैं नॉक कर देता लेकिन तीन ही गोली थी जो कि उसमें लग गई। अगर डीपी रिलोड पे होती तो यार ले जाता उस बंदे को मैं यहीं पे। तो यहाँ पे कुछ बंदे क्लोज इन करने लगे थे तो हम नेड फेंकते हैं, वो भी नेड फेंकने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं डैमेज तो देता हूँ यार ठीक ठाक, लेकिन किल नहीं थे मेरे नसीब में यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे क्या हुआ, शुरू में मैंने किल्स लिए ठीक है, फिर एक फेज ऐसा आया जहाँ पे शानदार किल लेने लगा मेरे को नहीं मिले, और अब दोबारा ऐसा फेज आ गया जहाँ पे मेरे को किल मिलेंगे, तो बस देखो यार मजे आने वाले आगे। तो गाइस यहाँ पे 12 अलाइव हैं ठीक है, मतलब दो तो हम ही है, तो 10 बंदे मानो हमसे अलग। तो गाइस गैस करो कमेंट में बताओ कि मैं 10 में से कितने किल ले लूंगा, मतलब तो यहाँ पे सामने कार खड़ी थी, इसका मतलब बंदे तो होने के चांसेस हैं क्योंकि यही घर है, यहाँ पे बंदे कैंप करते हैं गारंटी के बाद। और सामने की तरफ से भाई फुटस्टेप्स भी आ रहे हैं और वो बंदे रश कर रहे हैं हम पे, तो भाई देखते हैं उन्हें भी। इतने आसानी से नहीं मरेंगे भाई, तू बम फेंक देगा ऊपर से। तो भाई स्कैम हो गया गंदे वाला, बंदे सोच रहे थे भाई रश करो, अबे जो होगा देखी जाएगी, भाई कैंप मार रहे हैं हमारे इलाके में कौन आ गया, लेकिन अलग ही सीन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से कार निकलते भाई, हमने सोचा हम पे रश करेंगे लेकिन बंदों का कुछ ऐसा प्लान ही नहीं था। और जब मैं यहाँ पे क्रेट लूट रहा था तो उधर देखा तो दो तीन नमूने बंदर मेरे पे एम ले रहे थे तकड़े वाला। अब मैं थोड़ा सा कवर में आता हूँ क्योंकि कुछ नहीं पता, क्या पता उन पे AWM हो क्या सीन हो। तो यहाँ पे एक बंदे को मैं नोक करता हूँ और भाई जल्दी से गाड़ी लेकर ठोक देते हैं क्योंकि देरी करेंगे तो रिवाइव वगैरह हो जाएंगे, दिक्कत होगी। और ये बंदे भाई अभी बता रहा हूँ बहुत बड़े स्नेक से, तो बस देखो तुम्हारा भाई कैसे निपटाता है इन्हें। तो पहले तो जहरीले सांप को मारते हैं और भाई इधर से नेड़ की बारिश होने लगी थी, एक तो मेरे सामने ही पड़ा था, ऐसा लगा जैसे एनर्जी ड्रिंक पड़ी हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ मैं क्योंकि कोई फायदा नहीं है, हम नेड़ से फट जाएंगे, वो चार बंदे सीधा रश मारेंगे हमारे ऊपर। तो गाइस अगर तुम्हें लग रहा हो ना सामने वाले नेड़ फेंकने वाले हैं तो कट लो, मतलब थोड़ा सा पीछे हो लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, और फ्लैंक मार दो यार इजीली। तो यहाँ पे यार वो सांप बन चुके थे, उनकी पोजीशन नहीं पता चल रही थी और वो हाई रिज पे भी हैं तो उनके पास थोड़ा सा एडवांटेज है। तो यहाँ पे शानदार तो मना कर रहा था भाई फ्लैंक नहीं करना, लेकिन मेरा पूरा मूड था, मेरा मन नहीं था कि मैं यहाँ से निकल लूँ या फिर सांप बन जाऊँ, तो कुछ ना कुछ तो देखो करना था ठीक है। तो एक ही चीज बच चुकी थी यहाँ पे, वो है फ्लैंकिंग ठीक है। तो गाइस यहाँ पे तुम देखना मैं कैसे फ्लैंक कर रहा हूँ ठीक है, मैं पेड़ के पास जा रहा हूँ ना कि ओपन में ऐसे जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है अगर वहां से स्प्रे हुआ तो पेड़ जान बचा लेगा भाई, नहीं तो ओपन में तो गया मैं मतलब। तो एक सपेरा तो यहाँ पे स्पोर्ट होता है, इसको मैं खा जाता हूँ पूरा। और यहाँ पे हल्का सा पीछे हम इसलिए हट रहे थे क्योंकि यार स्नेक बन रहे हैं वो और हाई रिज पे हैं। तो गाइस सीन क्या होता है कि अगर कोई लोअर ग्राउंड से हाई रिज पे जा रहा है वहाँ पे कोई स्नेक है तो एक बार को हमें वो नहीं दिखेंगे लेकिन वो हमें देख पाएंगे और फायरिंग भी कर पाएंगे अच्छी खासी, तो इसलिए थोड़ा सा हम नहीं जा रहे थे जब तक लोकेशन ना पता चले। वो बंदे फायरिंग कर रहे थे तो थोड़ी लोकेशन का आइडिया था कि उधर की साइड है। तो यहाँ पे एक मोली फेंकता हूँ और फिर सीधा रश मार देता हूँ कि भाई जो होगा देखी जाएगी।
ओके, जब भी तुम्हें प्रोन होना पड़ जाए ना, हमेशा चारों तरफ देखते रहो। अगर तुम्हें कोई बंदा स्पोर्ट हो जाए कि तुम पे एम ले रहा है, भाग जाओ भाई जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे जल्दी से फर्स्ट एड वगैरह लगा के हेल्थ वगैरह फुल कर लेते हैं और फिर इनके लास्ट वाले बंदे को ढूंढते हैं। जो कि यहाँ पे फैला पड़ा था और भाई फैल ही गया पूरा। तो लास्ट जोन में एक ही घर बच चुके थे जो सामने वाले, और यहाँ पे हमें डासा भी ग्लिच हो रही, तो भाई चलते जल्दी से रश मारने। तो यहाँ पे शानदार सोचा था नेट वगैरह फेंकेंगे, लेकिन भाई मेरे से सबर नहीं हुआ तो भाई कर देते हैं अभी खत्म। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक ठोको जल्दी से, और गाइस सब्सक्राइब कर लो 900K की फैमिली होने वाली हमारी यूट्यूब पे, और गाइस शेयर करो मेरे दोस्तों के साथ।